ये है ग्रेटर नोएडा, देखो लाखों करोड़ों बस रुपया देने के बाद भी नहीं मिल रही है सुविधाएं। चालू होगी नहीं होगी। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा वन सी ब्लॉक के पास जो रामपुर के नजदीक है, इसमें रात के समय में असामाजिक तत्व आते हैं जो दारू का सेवन करते हैं, और इसकी जो लाइट है पार्क की वो ज्यादातर बंद पड़ी हुई है। अंधेरे होने के कारण महिलाओं को भी खतरा रहता है घूमने में, और मेरा प्राधिकरण से निवेदन है कि जितनी भी जो यहाँ पर लाइट स्ट्रीट लाइट है पार्कों की उनको सही कराया जाए, जिससे कि लोग बागों को सुविधा मिले घूमने में। ओके प्रवीण जी, कुछ कहना चाहेंगे आप क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पार्क में एक तो अंधेरा बहुत रहता है जी, लाइट ठीक होती है फिर महीने दो महीने में फिर वो खराब हो जाती है, फिर वो महीनों खराब पड़ी रहती है। अंधेरे की वजह से होता ये है कि ये रामपुर का जो मार्केट नजदीक में है वहाँ पे वाइन शॉप है, बियर शॉप है, तो ये जो यहाँ पे जो स्टूडेंट वगैरह पढ़ते हैं, या एक तो पीजी बहुत बने हुए हैं हर गली में, दो तो पीजी बने हुए हैं, वहाँ लड़के रहते हैं, वहाँ खाने पीने की दुकान है, खाने पीने का सामान लाते हैं, दारू लाते हैं, अंधेरे में बैठ के पीते हैं, गंदगी फैलाते हैं। गलियों में भी कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो अपने घरों का कूड़ा लाके यहाँ फेंकते हैं। तो पार्क में गंदगी, अंधेरा, इसकी वजह से जो सब लोग हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ के जो बच्चे हैं, उनका पार्क में जो घूमना फिरना है उनको भी डर लगता है कि अंधेरे में कहाँ जाए, डर लगता है। तो कुछ कहना चाहेंगे सुनील जी आप भी? बस यही कहना चाहेंगे कि पार्क में गंदगी बहुत रहती है, और हम सुबह देखते हैं तो 15 से 20 बोतलें रोज मिलती है दारू की। गोयल साहब, बस यहाँ पर हमेशा हमने पार्क में यही देखा है कि क्या नाम है, सुबह के समय पे जो प्रातः भ्रमण